लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे सिंगरौली जिले में मढ़ौली के विस्थापितों का सब्र का बांध बुधवार को टूट गया और एनसीएल मुख्यालय पर जमा विस्थापितों ने मुख्यालय के सभी गेटों में तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। इससे एनसीएल का कार्य बहुत हद तक प्रभावित रहा। सुबह 9 बजे से ही जुटे प्रदर्शनकारियों ने एनसीएल के खिलाफ नारेबाजी कर गेट पर तालाबंदी कर दी, जिसके बाद भारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे सिंगरौली तहसीलदार एवं मोरवा निरीक्षक ने विस्थापितों को समझाने का प्रयास किया, परंतु वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता कुंदन पांडे मढ़ौली के विस्थापितों के साथ बीते एक सप्ताह से मुख्यालय गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। जयंत खदान के एक्सटेंशन के लिए मढ़ौली विस्थापितों को मुआवजे के साथ साथ प्लॉट का भी वितरण करने पैकेज डील के तहत भू स्वभावियों को नौकरी का प्रावधान दिए जाने, एनसीएल में कार्यरत ओबी कंपनियों में 70% विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने, सीबी एक्ट के तहत अभी तक मुआवजे पर ब्याज देने आदि मांगों को लेकर बीते 28 जनवरी से विस्थापित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। उनका आरोप था कि बीते 20 वर्षों से एनसीएल द्वारा वार्ड क्रमांक 10 में भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, परंतु आज तक भी लोगों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिला है। वहीं एनसीएल द्वारा कोई भी नरम रुख नहीं अपनाने के बाद आज विस्थापितों का आक्रोश फूट पड़ा और मुख्यालय पर उन्होंने तालाबंदी कर दी। समाचार लिखे जाने तक हालात जस के तस बने हुए हैं। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।